पंजाब के मंडी किलावाली में पहली बार कैप्टन सरकार एक रैली को संबोधित करने के लिए, जिसका नाम कांग्रेस रैली रखा गया है, जो कि कल 7 अक्टूबर यानी दिन रविवार को है, और कई तरीके के कयास और मायने इस रैली से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार लगभग 15 सालों के इतिहास के बाद अमरिंदर कैप्टन सिंह पंजाब सरकार मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर इस रैली को करेंगे। सबसे बड़ी बात है वो विपक्ष में आकर रैली को कर रहे हैं, क्योंकि लंबी हलका एक ऐसा हलका है जहाँ पर 5 बार पंजाब के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री हैं, जो वो प्रकाश सिंह बादल रह चुके हैं, लेकिन कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप इस जगह पर लगते रहे कि उन्होंने हमेशा इस एरिया के साथ भेदभाव किया। लंबी हलका उनका होते हुए भी उन्होंने एक किलावाली एक ऐसा छोर था जो कि आखिरी में पड़ता है, हरियाणा जहाँ पर ख़त्म हो जाता है और पंजाब यहाँ से शुरू हो जाता है। इस पूरी बातचीत पर मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज, मेरे साथ कार्यकर्ता और नेता भी हैं, गुरजंट सिंह जी बराड़। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि कल होने वाली रैली इस एरिया के लिहाज से और राजनीति में क्या कुछ नया करने जा रही है। ब्राड साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आप ऑल इंडिया जो जट महासभा, उसके आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जट महासभा का मैं हल्का इंचार्ज लंबिका भी हूं, और ऑल इंडिया जट महासभा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी हूं, जिला कांग्रेस कमेटी मुक्तसर श्री मुक्तसर साहब का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उसी के नाते ये मैं सब कहना चाहूँ, कल की जो रैली है, जो आपने सवाल किया कैसी रहेगी। बिल्कुल सर, आप सब दावा कर रहे हैं कि बेहद ऐतिहासिक होने वाली, मेरा पहला ही सवाल है, आप इसको कैसे आंकते हैं, ये रैली कैसी रहने वाली है कल? ये रैली हमारी, ये पहली बार मंडी किलेवाड़ी में ये रैली होने जा रही है सीएम साहब की। ये रैली बहुत इतिहास, कई पक्षों से ऐतिहासिक रहेगी ये रैली, क्योंकि ये यहाँ 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे बादल साहब, हमारे ये कैप्टन साहब हैं, इनकी करनी और कथनी में पूरा इनसे ज़्यादा फर्क है। ये कहते हैं वो करते हैं, नशे का इशू था और था, ये सारे ये बरगाड़ी कांड था इस कांड में, उसके लिहाज से लोगों में इनके प्रति काफ़ी गुस्सा है, अकाली दल के प्रति। और ये रैली ऐतिहासिक रहेगी, क्योंकि ये दिखाना है इस रैली में बहुत बड़ी, लोगों का जन सैलाब इतना आएगा, बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली रहेगी। सर, जहाँ तक इसमें रैली स्थल के अगर बारे में जानना चाहूँ, तो कितनी जो संख्या में लोगों के बैठने की कैपेसिटी इस अनाज मंडी, जो आपका मैदान आपने जहाँ पर तैयार किया है, वो रहने वाली है, और किस तरीके के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, खास करके खाने पीने की अगर बात करें आने जाने वाले लोगों के लिए? ये हमारा जो ये पंडाल लगा हुआ है, इसमें हमारा पंडाल में बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने का लोगों के, क्योंकि हमारे को उम्मीद है अभी ये रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें हम कम से कम 1.5-2 लाख आदमी इसमें बैठने का प्रबंध किया हुआ है। 3 स्टेज लगे हुए हैं हमारे प्रॉपर चैनल, एक सीएम का स्टेज है, दूसरा जो स्टेज है उस पर हमारे मंत्री साहबान, एमएलए साहबान, वीआईपी लोग बैठेंगे, एक हमारा जो स्टेज है वो कल्चर प्रोग्राम के लिए लगा हुआ है। तो उसमें जो रैली का स्थान है वो 15 सेक्टरों में बांटा हुआ है, सिक्योरिटी की तरफ से और बैठने के लोगों इजी तरफ से, ऐसे हर एक आदमी को जो आने जाने की सुविधा रैली में लाने की बसों से, वो बिल्कुल साथ आके रुकेंगी, बसें उतारेगी आराम से, ताकि किसी आदमी को आने में कोई दिक्कत ना हो, और वो बसें वहाँ पर उनको ड्रॉप करके रैली स्थान पर, वो अपनी पार्किंग वाली जगह में, पार्किंग का बहुत बढ़िया अरेंज किया हुआ है यहाँ, नज़दीक किया हुआ है, सारे उनको नंबर वगैरह दिए हुए हैं हमारे प्रशासन ने, काफ़ी मेहनत से इस पर काफ़ी किया हुआ है। खाने पाने का प्रबंध है, जो वो खाने का भी प्रबंध किया है लोगों के बैठने का, पानी का भी बिल्कुल ऐसा प्रबंध किया किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं। मान जो भी हमारे प्रशासन के ज़िले के हमारे एसएसपी साहब हैं और हमारे आईजी साहब, उन्होंने मिलकर ऐसी रूपरेखा तैयार की है जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी ऐसी। डॉक्टर साहब, आप ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे सुनने में और पता चला है कि सीएम साहब का जो ठहराव है, सेफ हाउस भी आप ही के घर में है, तो क्या माना जाए ऐसी कौन सी जो मुख्य समस्याएं, आपने एजेंडा सीएम साहब के सामने आप कह रहे हैं भेज भी दिया है, तो वो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की तरफ से, यहाँ की जन जो यहाँ से पुकार करे कि मंडी किलेवाड़ी का विकास होना चाहिए, तो वो ऐसे कौन से मुख्य एजेंडे हैं जो आपकी तरफ से कर रखे जाएंगे उनके सामने? हमारा मंडी का पहला मुद्दा तो ये, इसको मार्केट कमेटी और नगर पालिका घोषित किया जाए। इसको मार्केट कमेटी का हमारे को इतना फ़ायदा है, क्योंकि जो मंडी किलेवाड़ी के पास डावड़ी में जो फसल जाती है 40 गाँवों की, हमारे को इनकम हो, हमारे हल्के में लगे वो इनकम मंडी बोर्ड की, और नगर पंचायत बनाई जाए तो बहुत बढ़िया ये तरीके से चले। हमारी ये एक तो ये पहली डिमांड है, दूसरा हल्के की डिमांडें हमने लिख के दी हैं, सी एम साहब को भेज दी हैं, मेरा ख्याल वो सारी पे गौर करेंगे
और अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लंबी हल्के के लोगों को दे के जाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे और कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से जो कैप्टन सरकार है वो कल पोल खोलने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी, खास करके सिखों के साथ बेअदबी का चाहे मामले की बात करें। और दूसरा आरोप आप ही के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लगातार इस किले वाले की तरफ से लगता रहा है कि लगातार इतने सालों में जब बादल सरकार रही तो आपको प्रताड़ित किया गया, आपकी एक नहीं सुनी गई, आपको सबसे पीछे रखा गया, तो क्या ये ठेस भी है वो निकलने वाली है? बिल्कुल जी, ये तो ठेस, पहली ठेस यही है अभी लंबी हल्के के लोगों को, जिनको कांग्रेसी वो सामने मानते हैं ये हमारे साथ कभी हो नहीं सकते ना वो जाएंगे, उनको प्रताड़ तो करते आ रहे हैं। पिछले 10 साल उनकी सरकार रही तो प्रताड़ तो करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्हें कांग्रेस का जो वोट बैंक है इसीलिए वो उतना ही खड़ा है, उन लोगों को ये ज़्यादा सीट दें और अपने ये 10 सालों के राज में तो उन्हें पूरा ही, इन्होंने अपने वर्करों को इतना हौसला दिया, यहाँ के 10 चेयरमैन थे, 10 थे, हम भी ये थोड़ा सा चाहते हैं अभी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको निजी तौर पर थोड़ी सी पकड़ हो, उनकी मजबूत की जाए, उनको कुछ ना कुछ दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, आप ही ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 2 लाख लोगों का जो जनसैलाब यहाँ पे उमड़ेगा और बेहद ऐतिहासिक रैली होने वाली है, तो क्या माना जाए जो आप कह रहे हैं, वाकई आप इतिहास कायम कल करने जा रहे हैं यहाँ से किलियावाली से? एक बड़ा शंखनाद आपकी तरफ से होने वाला है जहाँ से हरियाणा के उस छोर से ये गूंज उठेगी जो पूरे पंजाब में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल पन्नू साहब ऐसे ही होगा, बिल्कुल जैसे आप मन में है, इसमें ये पहली बार करके दिखाने वाला है, होगा ही ऐसे। चलिए, और किस तरीके के कार्यकर्ताओं में कोई इस तरीके का उत्साह आपने भरा है कि कल लोग जो यहाँ से आएंगे पंजाब के भिन्न भिन्न कोनों से, और किस तरीके से लोग आ रहे हैं आप कैसे देखते हैं? हम ये सब 3-4 दिन से लगातार देख रहे हैं, पिछले हफ्ते से देख रहे हैं लोगों को में इतना उत्साह, भी लोग पहले ही वर्कर हैं जो कांग्रेस के किसी ज़िले से ले लो, वो गाड़ियों पर आ रहे हैं, देख कर जा रहे हैं सारा सिस्टम, और लोगों को मन में ये हो रहा है वो 7 तारीख कल वाली आए और पूरे धूम धड़के से ये रैली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसे रैली सफल होगी, बहुत बढ़िया रहेगा रैली में, क्योंकि वर्कर आज भी इतनी वर्करों की भीड़ है वहाँ, सब देख आ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ हाथ बटाने के लिए भी कोई काम है तो बताओ, तो हमें भी अपने रैली के प्रबंध में लगे हुए हैं। हाँ, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, अदारे हैं यहीं पर जट महासभा के, उनसे भी जान लेते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे साथ। सर, सबसे पहले आप अपना मैं डिस्ट्रिक्ट जट महासभा श्री मुक्तसर साहब का प्रेजिडेंट हाँ जी, नरेंद्र सिंह पोपा मेरा नाम। नरेंद्र जी, क्या माना जाए कल की जो रैली है, आप भी लगातार बराड़ साहब के साथ हैं और आप भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे कयास मानते हैं आप? बहुत, यहाँ पर बहुत बड़ा जनसलाब जड़ा कांग्रेसी वर्करों का, पंजाबियों का उतरेगा, मेरा ख्याल है लगभग 2 लाख से ऊपर हमारे प्रबंध भी किए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा इकट्ठ होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सुनने के लिए पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री है, जिन्होंने पिछले 18 महीनों में पंजाब की जड़ी तस्वीर बदलनी शुरू कर दी, जड़े किसानों के कर्जे उन्होंने वायदा किया था माफ़ करने का वो शुरू कर दिया हौली हौली, और 2.5 एकड़ 5 एकड़ चल रहा काम सारा, मतलब लोग पसंद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, लोग पसंद करते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, सबसे पहले हमारे साथ निप्पी जी बराड़ हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। निप्पी जी बराड़ मेरे साथ हैं जो कि यहीं मंडी किलियावाल से सेक्रेटरी हैं जो यूथ कांग्रेस स्पोर्ट्स के। बराड़ साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी रैली को, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मा है यूथ कांग्रेस का? ये रैली यहाँ की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी, पहली बार CM साहब आ रहे हैं यहाँ पर, बादल साहब का जो हल्का है 5 बार वो यहाँ से CM रह चुके हैं, उन्होंने अपने हलके में ही कुछ नहीं किया अभी तक। ये जो दाना मंडी है यहाँ की, ये 1978 की काटी हुई है, बाल साहब 5 बार CM रह गए, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ना इसका। किसान यहाँ पे जब फसल आती है बहुत तंग होते हैं, और ये रैली बहुत बड़ी होगी, यहाँ पर लोग अपने अपने चल के आएंगे। चलिए, ये तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, वायदे किए जा रहे हैं, और गुरजन सिंह जी बराड़ हमें बता रहे थे कि
ठीक लोगों के अनुरूप होगा, जिस तरीके के लोग कयास लगा रहे हैं कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर उभरने वाला है। और कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो मंडी किलेवाली के हिसाब से जो जायज़ बनते हैं, जहाँ पर सीवरेज का मुद्दा है, इस अनाज मंडी का मुद्दा है, और इसको कम से कम नगर पालिका का जो यहाँ पर इसको उसका हक मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की समस्याएँ वो बड़े प्लेटफॉर्म पर उठकर और विकास हो सके। और ये आरोप है जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि लगातार अनदेखी इस एरिया के साथ हुई है, इस हल्के के साथ हुई है। बस दुख इस बात का है कि ये पंजाब का वो आखिरी गांव पड़ता है मंडी किलेवाली, यहाँ का हल्का जो लंबी हल्का से भी 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अकाली दल के नेता हैं जो प्रकाश सिंह बादल, लेकिन फिर भी उनके साथ यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को सिर्फ कांग्रेसी मानकर उनके साथ जो भेदभाव किया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कैप्टन सरकार पहली बार इस रैली को संबोधित करने आ रही है, और वो भी हरियाणा के उस छोर से जहाँ पर हरियाणा का भी आखिरी छोर है और पंजाब का भी, सही मायनों में पंजाब यहीं से शुरू मान लीजिए या फिर पंजाब का आखिरी गांव मान लीजिए, यहीं से होता है। तो कई तरीके की ऐसी घोषणाएं होने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा सकती है, कई तरीके के ऐसे जो काले चिट्ठे हैं जो यहाँ पर पहले की सरकारों ने, विपक्ष ने जो यहाँ पर अनदेखी लोगों के साथ की है, वो भी यहाँ पर कैप्टन सरकार खोलने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये मैं सब कुछ भविष्य के गर्भ में छोड़ देता हूँ, क्योंकि 7 अक्टूबर कल संडे को जब ये रैली शुरू होगी, जब यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, तब ये सारे समीकरण यहाँ पे बताएंगे कि इस रैली में किसको कितना और क्या मिल पाता है। कैमरा सहयोगी चरणजीत के साथ गुरविंदर पन्नू, 23 हरियाणा, मंडी।